हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को लेकर। ओके, आई होप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो ट्रिग्नोमेट्री आ रही है तो इससे हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री से हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना होगा। ओके गाइस, तो अब हम बात समझेंगे। सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझना होगा। गाइस, मैंने पूरे ट्रिग्नोमेट्री का एक पूरा एक लेक्चर क्लास 10th पर पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि जो बेसिक से लेकर जो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं वो क्या क्या फॉर्मूले हमें वहाँ पे यूज़ करने हैं। ओके, तो बेसिक चीज़ें यदि आपको देखनी है गाइस तो वो मेरे क्लास 10th में आपको ट्रिग्नोमेट्री के पहले लेक्चर पे जो वहाँ पर मैंने इसके बारे में डिटेल दी है यानी इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, वहाँ पे आपको इसके बारे में मिल जाएगा। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि जिससे आप अपने बेसिक को वहाँ समझें और उस ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान से समझ के तब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे को समझेंगे। ओके, आइए समझते हैं उसमें क्या था पॉइंट्स। काफ़ी ट्रिग्नोमेट्री के जब आप उसको वीडियोस को देखेंगे उसमें बेसिकली मैं आपसे जो उसमें डिस्कस करने वाला हूँ मेनली मैं क्वाड्रेंट सिस्टम को डिस्कस करूँगा। किसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ? क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में। जो ये क्वाड्रेंट सिस्टम है वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यदि आप इस क्वाड्रेंट सिस्टम को समझते हैं तो आई होप आप अच्छे से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को फंक्शंस को अच्छे से डील करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में डिस्कस करता हूँ कि कैसे क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प से आप किन किन ट्रिग्नोमेट्री को पॉजिटिव कॉल कर सकते हैं और नेगेटिव कॉल कर सकते हैं, यानी किन किन क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्री है गाइस वो पॉजिटिव होती है और किन क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो नेगेटिव होती है गाइस। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट सिस्टम ही समझना होगा गाइस। ओके गाइस, चलते हैं, लेट्स सी गाइस। ओके गाइस, आइए समझते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में। जो क्वाड्रेंट सिस्टम था आपको पता है बेसिकली 9th और 10th में हम लोग क्वाड्रेंट का मीनिंग समझते थे। क्वाड्रेंट का मीनिंग होता है फोर पार्ट में डिवाइड करना, यानी कोई एक सिस्टम है जिसको मुझे फोर पार्ट्स में डिवाइड करना, ये तो क्वाड्रेंट का मीनिंग। ओके गाइस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप आपने ये पॉइंट भी समझा था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव होता है एंड जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव होता है और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो नेगेटिव नेगेटिव होता है और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, अब मैं बात करता हूँ आपसे कि जब हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम में डिस्कस करते हैं तो ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है तो इसके वाले एंगल को हम बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं 90 माइनस थीटा, सेकंड वाले क्वाड्रेंट को बोलते हैं हम लोग पूरे को 180 माइनस थीटा, नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं यहाँ तक 270 माइनस थीटा और नेक्स्ट पूरे क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं 360 माइनस थीटा। आई होप यहाँ तक मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। यदि मैं बात करूँ, ये जितनी मैंने बात की अभी आपसे ये सब मैंने एंटी क्लॉक वाइज आपसे डिस्कस किया है। यदि अब मैं डिस्कस करूँ क्लॉक वाइज तो ये वाला क्वाड्रेंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसे हम ध्यान रखेंगे क्लॉक वाइज 360 प्लस थीटा एंड जो सेकंड वाला क्वाड्रेंट है उसे हम ध्यान रखेंगे 90 प्लस थीटा एंड जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसको हम ध्यान रखेंगे 180 प्लस थीटा एंड जो फोर्थ वाला क्वाड्रेंट है वो 270 प्लस थीटा। ये है क्लॉक वाइज। ओके, और ये जो एंगल है माइनस वाले ये सब है एंटी क्लॉक वाइज। ओके गाइज, ओके, और बात समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को कि माइनस में 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, प्लस में क्या होता है कि जो माइनस वाले होते हैं ये एक जंप करने शुरू कर देते हैं। भाई ये जैसे भी फोर्थ में था इसने जंप किया फर्स्ट में तो पॉजिटिव हो गया, ये किस में था फर्स्ट में, नेक्स्ट में जंप किया तो कितना हो गया पॉजिटिव हो गया, ये 180 माइनस थीटा इसमें क्या था सेकेंड में, नेक्स्ट में जंप किया तो प्लस में हो गया। तो क्या होगा, प्लस वाले क्वाड्रेंट जो होगा हम लोग जब क्लॉकवाइज काम करेंगे तो ये क्या करेंगे नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में जंप करते चले जाएंगे। आई होप यहाँ तक बात भी मेरी अब आपको अच्छे से क्लियर होगी होगी। आपने एक रूल पढ़ा होगा 10th क्लास में, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, 11th क्लास में तो रूल आपने अच्छे से स्टडी किया होगा। जो रूल होता था ए
एसटीसी, एएसटीसी रूल होता था, जिसमें बेसिकली सभी अपने अपने पॉइंट से समझाते इस पॉइंट्स को, कि जो एएसटीसी रूल होता है यानी अर्जुन सर का ट्यूशन सेंटर, या तो इस तरह से बोल दीजिए, या ऑल स्टूडेंट टेंथ क्लास, जो भी आपको लेवल अच्छा लगता हो अपने अकॉर्डिंग, ओके। तो उसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, बेसिकली पॉइंट क्या था क्वाड्रेंट सिस्टम के लिए, 90 और 270 के केस में हमेशा ध्यान रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री हो जाती है चेंज, 270 के केस में ट्रिग्नोमेट्री हमेशा ध्यान रखें क्या होती है चेंज, 180 एंड 360 केस में ट्रिग्नोमेट्री कैसी होती है नो चेंज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये ध्यान रखेंगे 90-270 केस में ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है चेंज, चेंज होने का मतलब साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, चेंज होने का मतलब तो ये होता है। और नो चेंज होने का मतलब क्या होता है, जैसे 180 और 360 है वो ट्रिग्नोमेट्री क्या कह रहा है नो चेंज होती है, नो चेंज होने का मतलब क्या है कि वो बदलती नहीं है, यानी जो जैसी है एज इट इज़ वैसी ही रहेगी, जैसे साइन साइन में, कोस कोस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में, और कोसेक कोसेक में रहेगा, यानी नो चेंज वाली रिक्वायरमेंट है। तो ध्यान रखेंगे चाहे 90 माइनस में आ रहा हो, चाहे 90 प्लस में आता हो, चाहे 270 माइनस में आता हो, चाहे 270 प्लस में आता हो, तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा क्या करेंगे आप लोग चेंज करेंगे। और 180 और 360 केस में चाहे वो नेगेटिव में आए चाहे ये पॉजिटिव में आए, दोनों केसेस में ट्रिग्नोमेट्री नो चेंजेस को फॉलो करेगी। आई होप ये भी पॉइंट अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एएसटीसी रूल में ए का मीनिंग क्या होता है उस बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। ए का मीनिंग जो हम लोग समझते हैं, क्योंकि ए मतलब होता है ऑल, ऑल का मतलब हो गया जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री होती हैं वे सभी ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में कैसी होंगी पॉजिटिव होगी। ये पॉइंट भी आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मतलब चाहे 90 माइनस थीटा केस पढ़ूँ मैं, चाहे इसमें 360 प्लस थीटा केस लेके चलूँ, चाहे मैं दोनों केस लेके चल रहा हूँ, दोनों केसेस में फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के लिए पॉजिटिव होगा। पहला पॉइंट तो यहाँ तक क्लियर हो चुका कि मैं यदि ऐसे पढ़ता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि विच क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट हमें डिफाइन कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट डिफाइन कर रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया कि जो साइन होती है वो पॉजिटिव की होती है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया, तो यानी साइन कैसा आने वाला पॉजिटिव। और 90 के केस में मैंने अभी आपको समझाया था कि 90 के केस में ट्रिग्नोमेट्री कैसी होती है चेंज होती है, चेंज का मतलब साइन कोस में चेंज, कोस साइन में चेंज, टेन कोट में चेंज, कोट टेन में चेंज, सेक कोसेक में चेंज, कोसेक सेक में चेंज, क्योंकि सब में हमें पता लग गया कि कौन सा क्वाड्रेंट, हम यहाँ से चेक करते हैं कि विच क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो यहाँ से हम चेक करेंगे ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट, उसके अकॉर्डिंग साइन की वैल्यू पॉजिटिव दिखी है हमें यहाँ पे, ठीक है ना। और देखा 90 के केस है तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज कर दे, तो साइन चेंज किस में हो गया कॉस में हो गया। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसी टाइप से इसी क्वाड्रेंट में फर्स्ट में ही 360 प्लस थीटा चलता है। अब 360 प्लस थीटा का मीनिंग ये हो गया गाइस कि जैसे कि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री को 360 प्लस थीटा लेके चलेंगे तो कैसे आप यूज़ करेंगे उसको, समझते हैं ये बात को। देखिए जब आप यहाँ लिखेंगे कॉन्सेप्ट में कि भाई साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, मैं अभी इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। मैंने अभी आपको समझाया था कि जो 90 और 270 केसेस में ट्रिग्नोमेट्री कैसी होती है चेंज होती है। अब मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि 180 और 360 केस में ट्रिग्नोमेट्री कैसी होती है नो चेंज होती है, इसमें टीसी होती है, इसमें टीएनसी होती है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्री नॉट चेंज वाला प्रोसेस होता है, ओके। तो ये हमारे पास जो लिखा हुआ है 360 प्लस थीटा, आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या नहीं होने वाली है, चेंज नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है, क्योंकि विच क्वाड्रेंट है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ कौन सा चला एंगल 360 प्लस वाला चल रहा है, कौन सा चल रहा है प्लस 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, तो विच क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री होती है सब कैसी होती है पॉजिटिव होती है, ओके। 360 के इसमें ट्रिग्नोमेट्री कैसी होती है नो चेंज, यानी साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा। आई होप यहाँ तक भी आपको मेरी ये बात अच्छे से
क्लियर होगी होगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगी। किस क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस किया मैंने? फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस किया। सेम एज इट इज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में एस वर्ड चलता है, ठीक है ना। एस लेटर, एस लेटर का मीनिंग क्या होता है? एस लेटर का मीनिंग होता है एस मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक किस चीज़ के होंगे? पॉजिटिव। अदर जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री होगी वो सब कैसी आएगी? इसमें नेगेटिव होंगी। इट मीन्स आपको क्या लेके चलना है कि भाई जो सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा, चाहे उसमें 90 प्लस थीटा लिखा हुआ हो, चाहे उसमें 180 माइनस थीटा लिखा हुआ हो, दोनों के केसेस में मुझे ये चीज़ ध्यान रखना है कि भाई साइन और साइन का रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव बनेगा, बाकी सब नेगेटिव बनेंगे। आइए देखते हैं क्वाड्रेंट को अब ध्यान से। क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। इट मीन्स हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि ये कौन सी क्वाड्रेंट को डिफाइन कर रहा है, विच इज सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन किस चीज़ का होता है? पॉजिटिव का, इसलिए पॉजिटिव साइन। और आपको पता है कि 180 के केस में और 360 के केस में मैंने आपको बता रखा कि ट्रिग्नोमेट्री कैसी होती है। ट्रिग्नोमेट्री नो चेंज वाली पॉलिसी को फॉलो करती है, ठीक है। आई होप ये भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसीलिए यहाँ पे साइन को साइन रहने दिया, कोस को कोस रहने देंगे, टेन को टेन रहने देंगे, कॉट को कॉट, सेक को सेक, कोसेक को कोसेक। चेंजेस का प्रोसेस यहाँ से चेक करते हैं, ये बताता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट को बताएगा और यही बताएगा कि ट्रिग्नोमेट्री चेंज होगी या नहीं होगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, ओके। तो देखो यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो ट्रिग्नोमेट्री नो चेंज। क्यों चेंज? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 180 है, 180 के इसमें ट्रिग्नोमेट्री नो चेंज होती है। इस तरह से कोस 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस किस चीज का होता है? नेगेटिव का होगा। क्यों होगा? क्योंकि साइन साइन का रेसिप्रोकल कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। आई होप ये पॉइंट भी अब अच्छे से आपको मेरा क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से टेन 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट है तो आप मुझे ये बताइए टेन किस चीज का होता है? नेगेटिव का होता है। 180 के केस में ट्रिग्नोमेट्री नो चेंज, तो टेन इसलिए टेन में रहा है। कोट 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोट किस चीज का होता है? नेगेटिव होता है, तो इसलिए कोट किस में रहा? कोट नेगेटिव में रहा है। आई होप ये भी पॉइंट अब आपको अच्छे से मेरा क्लियर हो गया होगा, ओके। इसी तरह से सेक और इसी तरह से कोसेक, ये तो हुआ 180 माइनस थीटा केस में। यदि सेम पॉलिसी 90 प्लस थीटा के केस में आ जाए तो आप उसे कैसे फॉलो करेंगे? आइए समझते हैं, यदि 90 प्लस थीटा आ जाए तो हम कैसे डिस्कस करेंगे। देखिए गाइस, यदि आपको 90 प्लस थीटा में डिस्कशन किया जाता है तो आप इस पॉइंट को समझिए ध्यान से। देखिए आपके पास लिखा साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा एंड टेन 90 प्लस थीटा। पहले समझिए, मैंने अभी आपको एक रूल समझाया था कि भाई एएसटीसी रूल है, और ये प्लस आ गया तो यानी माइनस वाला नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में जंप कर गया। तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में था, तो सेकंड में जंप कर दो, सारी किस चीज़ का बन गया? पॉजिटिव बन गया। यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये क्वाड्रेंट हो गया सेकंड। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं केवल साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक केवल किस चीज़ का होता है? पॉजिटिव होंगे, बाकी सब किस चीज़ के होंगे? नेगेटिव होंगे। आई होप यहाँ तक भी बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो देखो पहले देखो 90 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट चल रहा है, ओके। अब हमने पढ़ा था कि भाई 90 और 270 के केस में ट्रिग्नोमेट्री, मैंने बताया कि क्या होती है? चेंज होती है। टीसी रूल याद रखीजिए, 90 और 270 में ट्रिग्नोमेट्री कैसे हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यानी हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? ट्रिग्नोमेट्री को चेंज करना होगा। आई होप ये भी पॉइंट आपको अब अच्छे से मेरा समझ में आ गया होगा, ओके। तो यानी 90 का केस है तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होने वाली है? चेंज। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस। कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन। टेन किस में चेंज हो जाएगा? कॉट। तो आई होप ये भी पॉइंट अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सेकेंड क्वाड्रेंट का। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में दो एंगल हो गए, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। इसी तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी थे,
एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो यानी फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आपने सीखा था 90 माइनस थीटा को लेकर, और साथ में सीखा था 360 प्लस थीटा को। इसी टाइप से आपने सेकंड क्वाड्रेंट में सीखा है 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा को लेकर। यानी आप समझ गए इस पॉइंट को लेकर कि भाई हमें साइन का मतलब तो वही है, क्योंकि साइन क्या रहेगा, जो क्वाड्रेंट है उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन उसी को देखकर लगेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल, कोसेक ही पॉजिटिव हो गए, बाकी सब नेगेटिव होने वाले हैं। लेकिन हम वहाँ पे देखेंगे कि 180 का केस है या 90 वाला केस है, हम वहाँ चेक करेंगे 90 का केस है या 360 का केस है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया आपसे कि 90 और 270 में ट्रिग्नोमेट्री कैसी होती है, चेंज होती है, और 180 और 360 केस में ट्रिग्नोमेट्री नो चेंज होती है। आई होप आपको ये क्वाड्रेंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ, क्वाड्रेंट नंबर थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट क्या बताता है आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग ये डिस्कस करते हैं इसमें कि आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, थर्ड क्वाड्रेंट है 270 माइनस थीटा को लेकर या 180 प्लस थीटा को लेकर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट चलता है, जिसमें हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में जो नेक्स्ट लेटर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पूरा तो ए एस टी सी, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टी आता है। टी का मतलब होता है 10 और 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट। किस चीज़ के होंगे, पॉजिटिव। जितनी भी अदर ट्रिग्नोमेट्री होंगी वे सब कैसी आने वाली है इसमें, नेगेटिव। यानी 10 और कॉट को छोड़कर सभी को सभी हम नेगेटिव लिखेंगे, चाहे वो क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा में बनता हो, चाहे वो बनता हो 270 माइनस थीटा का। 10 और कॉट ही केवल इसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी सब इसमें से नेगेटिव काउंट होंगे। ओके, तो हमने वही लिखा हुआ है, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा। तो ये पॉइंट भी अब अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ये बताता है क्या, आपको क्वाड्रेंट बताता है, और इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कैसी है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। आपने कहा कि भाई 270 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट, आपने कहा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है 10 और 10 का रेसिप्रोकल कॉट ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। यानी ट्रिग्नोमेट्री कैसे लिखी हुई, साइन साइन लिखा हुआ है, साइन 10 तो है नहीं ना कॉट है, तो इसका मतलब इसका साइन कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला। अब 270 के केस में मैंने आपको बता रखा, 270 के केस में ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, चेंज। चेंज होगा साइन किस में आ गया, कॉस। इससे से कॉस 270 माइनस विच क्वाड्रेंट, आपने क्वाड्रेंट बताया कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस किस चीज़ का होता है, नेगेटिव। 270 के इसमें ट्रिग्नोमेट्री कैसी हो गई, चेंज। तो कॉस किस में चेंज हो गया है, साइन में। इस तरह से 10 270 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट, आपने क्वाड्रेंट बताया थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 किस चीज़ का होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली 10 पॉजिटिव रहा। 270 के इसमें ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, चेंज। तो 10 के इसमें चेंज हो गया, कॉट। तो आई होप बाकी की प्रोसेस भी आप अच्छे से क्लियर कर गए होंगे। लेकिन यदि मैं डिस्कस करूं 180 को लेकर, तो 180 के केस में क्या करें, क्योंकि 180 प्लस थीटा वाला क्वाड्रेंट है, क्योंकि नेक्स्ट वाले क्वाड्रेंट में कूद गए हैं। तो 180 प्लस थीटा के केसेस में हम कैसे काम करेंगे, समझें अब बात को। यदि आपके पास साइन 180 प्लस थीटा आ जाए, कॉस 180 प्लस थीटा आ जाए, या 10 180 प्लस थीटा आ जाए, तो सबसे पहले मुझे ये डिस्कस करना है इसमें कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट को फॉलो करना पड़ेगा। तो आपने कहा कि ये जो क्वाड्रेंट है हमारे पास, ये क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि भाई 10 और 10 का रेसिप्रोकल कॉट ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ साइन लिखा तो साइन कैसा, नेगेटिव। यहाँ कॉस लिखा, कॉस कैसा आ गया, नेगेटिव। यहाँ 10 लिखा तो कैसा आ गया, पॉजिटिव। अब उसके बाद हमने चेक किया कि भाई 180 का केस है, 180 के केस में हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री कैसी होती है, नो चेंज वाला केस होता है, टीएनसी वाला रूल होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री कैसी होगी, नो चेंज होगी। नो चेंज होगी तो इसका मतलब साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, 10 10 में रहेगा। आई होप यहाँ तक भी आपको एक बात अच्छे से मेरी क्लियर होगी होगी, तो क्लियर हो चुकी होगी यहाँ तक पॉइंट्स। तो इस तरह से मैंने पूरे क्वाड्रेंट सिस्टम को समझाया आपको। ओके, आगे की डिस्कस करें फोर्थ क्वाड्रेंट को लेकर, तो आइए समझते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके गाइस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या क्लियर कराता है, कॉस ए एस टी सी। सी मतलब क्या होता है, सी का मीनिंग होता है कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। दोनों किस चीज़ के होंगे, पॉजिटिव। बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्री किस चीज़ की होने वाली है, आपके पास यहाँ पे नेगेटिव होने वाली है। ओके, अदर ट्रिग्नोमेट्री नेगेटिव। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा कि सी यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट चलता है 360 माइनस थीटा और नेक्स्ट होता है 270 प्लस थीटा।
इट मीन्स आपको ये चेक करना है कि भाई फोर्थ में केवल कॉस और सेक को छोड़ के सभी पे हमें नेगेटिव साइन लगाना है। तो हमने लिखा साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा और कॉसेक 360 माइनस थीटा। आपको पता है कि विच क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट बताते हैं आपको कि कौन सा क्वाड्रेंट है। तो आपने देखा कि ये क्वाड्रेंट बता रहा हमें फोर्थ है। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में साइन किस चीज़ का होता है? नेगेटिव होता है। 360 के इसमें ट्रिग्नोमेट्री कैसी होती है? नो चेंज। तो साइन को साइन में रहने दिया तो माइनस साइन थीटा आ गया। सेम ऐसे ही कॉस 360 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस किस चीज़ का होता है? पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहने दिया। 360 के इसमें ट्रिग्नोमेट्री नो चेंज, तो कॉस कॉस में रहा। सेम एज इट इज टेन 360 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? क्वाड्रेंट हो गया ये मेरे पास फिर से फोर्थ। फोर्थ हमने देखा कि टेन किस चीज़ का होता है? नेगेटिव, तो हमने रखा नेगेटिव। 360 के इसमें ट्रिग्नोमेट्री नो चेंज, तो नो चेंज वाला केस आ गया। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें यदि मैं डिस्कस करूं 270 प्लस थीटा को लेकर, तो 270 प्लस थीटा भी किस बात को रिप्रेजेंट करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। आइए समझते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में। इसमें भी जैसे क्वेश्चन में लिखा गया आपके पास साइन 270 प्लस थीटा, इस तरह से आपके पास आ गया कॉस 270 प्लस थीटा, फिर नेक्स्ट लिखा हुआ टेन 270 प्लस थीटा। तो गाइस कहना क्या चाह रहा है, देखिए 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा ऑब्वियसली माइनस का होता था थर्ड में, और नेक्स्ट में जंप कर गया तो पॉजिटिव हो गया 270 प्लस थीटा। तो विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता कि कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक ही पॉजिटिव होते, बाकी सब नेगेटिव होंगे, नेगेटिव साइन तो आ चुके। अब हम देखते हैं 270 का केस है। तो 270 के इसमें ट्रिग्नोमेट्री चेंज, साइन किस में चेंज? कॉस। कॉस किस में चेंज? साइन। और टेन किस में चेंज? कॉट। तो आई होप ये पॉइंट भी अब आपने अच्छे से सीख लिया। तो क्वाड्रेंट सिस्टम में हम लोगों ने ASTC रूल की हेल्प से पूरी केसेस को समझा, ट्रिग्नोमेट्री किन किन क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होती है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री नेगेटिव होती है। तो गाइस मैंने 10th क्लास में जो वीडियो बनाई है उसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री मैंने डिस्कस की हुई है फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें बेसिकली उसकी नीड होती है हमें। ओके, उसमें मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम भी अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा, जिसमें मैंने यहाँ पर भी और आपको बहुत बेहतर समझाने की कोशिश की है। यदि कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे अपने डाउट सेशन की क्लास जो चलती है, टाइमिंग जो आपको पता है, जो आपके शेड्यूल आपको सेंड किया गया उसके अकॉर्डिंग आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।